शनिवार को बेसिक शिक्षा कार्यालय पर कर्मचारी शिक्षा अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया है, जिससे तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो 9 अगस्त को भीषण आंदोलन करने को सभी कर्मचारी बाध्य होंगे। इस अवसर पर गणेश चंद्र श्रीवास्तव, भक्त राज त्रिपाठी, रूपेश श्रीवास्तव, अनूप कुमार, अश्वनी श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अश्वनी श्रीवास्तव ने कहा, शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, यानी पेंशन लेके रहेंगे, यानी पेंशन लेके रहेंगे। ये संबोधन करने जाएगा दुर्गेपा श्रीवास्तव जी का अन्य उपस्थित साथी है। ये पेंशन की मांग हम कर रहे हैं, हमारा कोई अनैतिक मांग नहीं है, ये जायज मांग है, जो मेज पर ताली पीट पीट करके थपथपा। मामला ये है कि हमारी एक मांग है केवल कर्मचारी शिक्षक अधिकारी के बैनर तले कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी बहाल कर दी जाए, जो कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से बंद कर रखी है। ये विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तीन तीन तरह की पेंशन ये लेते हैं। 2 दिन के शपथ लेने के पश्चात ही इनकी पेंशन हो जाती है। कर्मचारी 35 साल सेवा करने के बाद रिटायर होने के पश्चात उसको पेंशन नहीं है। एक देश में दो कानून, भारत का संविधान कहता है एक, हमारा संविधान एक है, एक होना चाहिए।